हेलो जी, राम राम जी। सारा ने कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो भाई? उम्मीद करूँ सारे बढ़िया हो, ठीक ठाक हो एकदम। और भाई आज को सुत्ती ठंड है तो भाई टाइम भाई आज का शाम से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग, क्योंकि भाई दिन में ऐसा कुछ काम ना था, सारे दिन बैठे थे तो मैं भाई चलो शाम हो गई है, थोड़ा आप लोगों से बातचीत कर लिया। हाँ, और भाई शाम का उठो भाई, अभी भाई व्लॉग जो है शाम से स्टार्टिंग हो रहा है, 4 बज रहे हैं शाम के। हेलो गाइज ले लो भाई, यार इनके हेलो गाइज ले लो, पहला ले लो, कर दे। अब बाज गया, अब नहीं कर रहेगा बंदर सा, अच्छा हेलो गाइज कर रहा है। तो भैया से सब कुछ था ना, मतलब बहुत का सुती सर्दी है और भाई छुपे छापे रहो, ये ठीक ठाक है, इसलिए भैया थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट कराया मैंने। तो भाई अभी देखो भाई केक रहेंगे, बने रहियो व्लॉग में, जितना होगा दिखाऊंगे आपने केक करा है के ना करा है आज पूरे दिन में। ये देख लो भाई, मम्मा पे लड़ाई माच रही है, दोनों आके वन कह मेरी मम्मा, वो नुआरी नु कह मेरी मम्मा। बताओ भाई आपके बालक बिनु मम्मा पे लड़ाई मचावा है, क्या हो गया? पंछी नटा रहा है नु कह मेरी मम्मा है। अच्छा ताजा आ रही इनकी मम्मा, छोटा बच्चा है ना ये। आधी आधी बांट ले, आधी मम्मा लेगा आधी आनू, क्या दू पंची की मम्मा। अच्छा पा रही इनकी मुझे आधा मम्मा, उसमें छोटा बच्चा है ना ये। पापा पे लड़ाई नहीं माचे, थारी मम्मी मम्मी पे लड़ाई मचाई जाए पूरे दिन, पापा पे लड़ाई नहीं मचावा रही है, पापा पे लड़ाई नहीं मचावा रही है ना। और भाई आज इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जिसकी हद ना है, बहुत तो कसुत्ती सर्दी है भाई आज, और भाई जबरदस्त हो रही, मतलब ना तो धूप निकले, हवा चाले कती सीटा जी ना बोलन, सीटों चाले सीटों कती कसुत्ती बहुत जोर की आवाज भी। मैं तो आज इन बालकान लेकर अपना हुड़ा पर आके और यही दुबकी बैठी हूँ आज खूने में, क्योंकि भाई बहुत को सुती सर्दी हो रही है, रिजाई तो बाहर निकलूंगा मन ना करे, फिर आ रहे इनके मारे नहीं जाऊंगी, जो ठंड है बीमार हो जाएगा। अरे भाई पंछी स्कूल में ताली थी, भी बालका छुट्टी नहीं पड़ रही, मैं सोचू इनकी छुट्टी डाल दे, क्योंकि सुबह सुबह भी नू हो रहा है, मतलब ना तो बालक तैयार करने का जी करता ना खुद उठने का जी करे, रिजाई माता है तो बाल भी परेशान हुआ है, नवाने दुआने मतलब दुखी हो ले हैं बालक, इतनी जोर की नाना धोना सबेरे भाई, माँ बाहर तो हो जाए सुबह सुबह ना आवे है, तो भाई छुट्टी गेट देनी चाहिए। देखो भाई 1 तारीख तक क्या है, 1 तक पड़ेगी कितने दिन की, बाकी बहुत जबरदस्त सर्दी हो लगे भाई, सर्दी का हिसाब ने देखकर भाई स्कूल में छुट्टी डाल देनी चाहिए बालका की, क्योंकि आज भी ज्यादा सर्दी है, बहुत को सुती सर्दी है भाई आज तक। अरे भैया लड़ाई मचा मैं थे, पापा के ऊपर लड़ाई नहीं मचे, इनकी मम्मी पे लड़ाई माची जागी, पापा के ऊपर लड़ाई नहीं मच रहा, नहीं बिड़ंदे मेरे किसी ने भी नहीं बिड़ंदे। और भी एक पति जी का डरा रहा है, कहा आज आलू प्याज और पालक के पकोड़े बना ले, तो भी प्याज भी है और भी आलू तो है ही ना, तुम कह झूठ बोल रहा है, आलू है पकोड़े पा रही ना, पालक के पकौड़े खाओगा तो भी प्याज तो है, प्याज के भी बना दे, आलू नहीं है। सर्दी गणी को सुती है भाई, ले मैं पकौड़े बना लिया, और तो मैनू कह ना झूठ बोल रहा है, आलू है मुक, आलू दो थे भाई सुबह मैंने सब्जी बना ली, आलू गाजर की तो फिर खत्म हो गए, 2-3 पड़े थे मैंने सारे डाल लिए थे, प्याज तो भाई है और भाई चलो प्याज के बना लेती हूँ। आज डरा रहा है बनाना पड़ेगा भाई, पट्टा ऑर्डर आया साफ का, जरूरी है बनाना है? और भाई मैं बैठी हुई भाई अपना चूल्हे आगे अपना भाई आज आज जला ली है इसमें, और भी लाइट जला दी आरएन ने, आरएन ने कह दो लाइट जला, फट बंद करेगा फट चलाओगा। और भैया अभी तुम भाई नु है लोके जी आऊं, तुम इतने माँ चूज बाल कर रखा करो, पानी गर्म हो जाए, खाना भी बन जाए, खाना भाई 2 दिन हो गया मैं इस पे बना रही चूल्हे पे, क्योंकि भैया एक चूल्हा तो पहले था वो टूट गया था, तवा सॉरी तवा चूल्हा कहूँ, और कल एक और था वो आ रही ने फिर तोड़ दिया, तो वो भी तवा टूट गया, थोड़ी सी त्रेड आ रही थी रह पाया जी सा था वो भी टूट गया, तो 2 दिन तो फिर गैस पे काम चल रहा है, मैं मार्केट जाऊंगी जब दूसरा तवा लेके आऊंगी, 2 तो तोड़ दिए भाई, क्योंकि हल्के वाले आए थे, थोड़ा मोटा लेके आऊंगी। और भाई क्या था फिर मैं अपना इतना गर्म पानी कर लूंगी, बर्तन बर्तन धो जाएंगे, और इसमें फिर लोग किसी आऊंगे तो फिर वो है एकदम भाई हवा तो आवे, बाइक तो बारा हो बहुत ज़्यादा ठंड लगे, बाइक पर गर्मी तो नहीं लग गए, तो आती हुई अपने हाथ वाथ सेक रहे हैं यहाँ बैठ के,
और भैया हमने ये डोली हटवा के एक हमारा काम खराब हो गया जो आपने दिखा नहीं, ग्रिल लगवा ली कल लोकेश जी कह रहे थे, और यहाँ पर ना वो था जब डोली थी ना तो इन लोग चूल्हे आगे बैठा करें तो हवा नहीं लग गया करती, अरे भाई डोली हटके पीछे सीधी हवा लग गया है कती है, जिन सोचो डोली की ओट हो जाया करती दीवारा की तो हवा नहीं लग गया सिर्फ सीधी हवा लग गया है, मतलब थोड़ी सी ठंड सी ज़्यादा लग गया लग गई बाहर ने जूस तो ओट हो रही थी डोली से ज़्यादा ही, और यार इन्हें अपना डमरू बजान लग रहा है क्यों मेरी गैल गल हंडी जाए, बनवाई थी हमने बाहर से बनवाई थी कभी इसमें ब्याज डालकर अपने कमरे में धर लूंगी, और थोड़ी सी नू है फिर अपने जब सोवांगे जब निकाल देंगे भैया ठीक कमरे में तो भाई सोख कर नहीं छोड़नी चाहिए, और भाई इसलिए मतलब सोवांगे जब निकाल देंगे तो भाई इसमें बर्क है और थोड़ा रूम गर्म हो जाएगा, तो ये मैं लेके आई हूँ और नाच बाढ़ कर इसमें रख दूंगी इसमें, और फिर अंदर नू है बार बार ठंड ना लगेगी अंदर सीखे जाऊंगे इसमें बैठे बैठे, पर भैया इनका कुछ सुतर डर रहा है क्योंकि इस तो चक्कर रखनी पड़ेगी सर्दी सर्दी बहुत बढ़िया काम आवे है, और ऊपर भी ठंड ज्यादा है तो इसलिए भाई अपने रूम में जरूरी है, तो पिछली बार बनवाई थी हमने रखी थी इसके थोड़ी सी लिपाई की जरूरत है लिपाई की, तो भाई कल धूप दाप निकलेगी जब इसके लिपाई पुताई करूंगी फिर फिटता है, तो आप पिछली बार मैंने लिपी थी ना यार तो फिर उसी होगी और ये हट गई, तो बेबर तड़के परसों धूप दाप निकलेंगे उस दिन इसने फेटते बताए लिपाई पुताई की कर दूंगी इसकी, तो यह सारी कवर हो जाएगी ढक जाएगी, ये थोड़ी सुधार दूंगी फिर इसमें इसमें ये सरिया सुरिया देख कर बढ़िया बना रखी है, इसमें आंच डाल देंगे और काफी स्पेस है बहुत घनी जगह है इसमें तो अच्छी आ जाए इसमें बढ़िया काम है सर्दी सर्दी, और जी ये लग गई हूँ किचन में, तो भाई मैं किचन में आ गई थी और ये भाई जैसे भी बताया भाई ऑर्डर आ गया है पकौड़े बनाने का, तो भाई पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ, और ये भाई आलू में काटन लग रही हूँ, और तो भाई कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने तेल की, मूल्या इतना गर्म हो जाए कितना भी मैं गल गल काट लूँगी, और भी प्याज मैंने काट के लिख रही आप देख सकते हैं प्याज मैंने पहले काट लिए थे, तो भी आलू प्याज दोनों में मिक्स पकोड़े बनाने वाली हूँ आज आलू के प्याज के, क्योंकि भाई वो है मुझे प्याज के पसंद है लेकिन वो भाई लोकेश जी उसके भी बना खा ले वो तो सारे खा ले, लेकिन मेरे फेवरेट है प्याज और उसके पालक के, तो आप बताना भैया आपके किस किस के कौन कौन से फेवरेट है, और भाई ये साथ साथ भाई मैं अपना तैयारी कर रही है, तो भाई मैंने धनिया सा कूट लिया था थोड़ा सा क्योंकि पकोड़े में बिना धनिया भी कोई स्वाद नहीं आया, तो इस साबुत धनिया को थोड़ा सा काट के वो कूट के और फिर मैंने इसमें डाल दिया था, तो काफ़ी बहुत बढ़िया टेस्ट आवे धनिया थे मतलब पकोड़े में टेस्ट ही धनिया था भाई मैंने तो बहुत अच्छा लगा है, और ये कढ़ाई ली भाई मैंने लोहे की जो मैं यूज करा करूँ चूल्हे पर वह मैंने धर ली है आज, क्योंकि छोटी है बड़ी फिर वो है बड़ी है लेकिन फिर वो ज़्यादा गैस खावे किस तरह से छोटा सा ही ठीक है, तो ये छोटा रख लिया मैंने, और ये भी मैं तारने लगी और आर्यन मेरे पास खड़े आर्यन भी वो मिलता है मेरे गैल गैल रहे है, तो आर्यन टेस्ट करके बता रहा है कैसे पकौड़े बने हैं, और ये भी साथ साथ भी पकौड़े बनाए तो चाय तो चाहिए पकौड़े के साथ, तो फिर वो है भाई जहाँ तक फिर आज मैं भी चाय चढ़ा रही थी लोकेश बोली चाय बना लो, तो वैसे तो कम पीवे हैं लोकेश जी बहुत कम चाय पिया करें लेकिन वो है कभी संडे ने या फिर भाई वैसे भी ले लेते हैं पकौड़े सकौड़े के साथ कोई स्नैक्स हो जब, और ये भी रेडी हो गए थे इधर बन के मम्मी के थाली मैंने लगा दी थी नीचे जाने के लिए रेडी है, पकोड़े हैं भी प्याज और आलू की मिक्स सॉस है और भी चाय है, तो यहीं पे मैंने डाल दी मम्मी की पंछी देने गई, और ये भाई चाय थोड़ी कम पड़ गई थी तो मेरे लिए, तो फिर मैंने अपनी भाई दोबारा से बनाई थोड़ी सी क्योंकि वो है भाई पकौड़े हो जाते हैं तो फिर भाई चाय तो ऑटोमेटिक भाई एक कप के बजाय दो कप पिए जाते हैं, और ये भाई मैंने थोड़ा सा और बच रहा था तो मैं उनको बनाने लग रही थी, और ये भी मैं हाथ से डालती हूँ आप लोग बताना भी चम्मच से डालती हूँ क्योंकि कईयों को भी बहुत ज़्यादा डर रहता है जलने का, लेकिन भाई मेरी मम्मी मैंने कभी से देखा वो हाथ से ही डालती थी और हाथ से भी मतलब टेस्ट भी लगाता तो भाई मैं हाथ से डाल लेती हूँ मुझे आदत हो रखी है, और ये भाई आलू के तो एक बार एक मतलब ये होता था एक बार मैं आलू के उतारती थी निकालती थी कढ़ाई में से एक बार प्याज के तो फिर मिक्स हो जाते थे सारे, खा लो भाई गर्म गर्म पकौड़े, we'll be right back.
पिक्चर में थोड़ी सही चीज लगे है, अरे वॉशरूम में, अरे थोड़े से बोल है ना उसमें पुणे में जो मैं बेड डाल रखा है वहां थोड़ी मैं काम करूँ, जो भी अपने पर्दे पुर्दे लगा रखे, देखो मैं किचन के अंदर खड़ी हूँ मैं, और मतलब ये है अपने यहाँ थोड़ी हो रहा है गर्माहट सी रहा है बिल्कुल, तो मेरा तो सजी कर रही रसोई में बैठने, क्योंकि अब बंद हो जाए ना बिल्कुल, बंद होगी छोटी होगी ना तो या इसलिए गर्म सी रहा है बिल्कुल, और मैं तो बस पूरे दिन इसमें गुस्सी रहा करूँ। और भाई अभी भाई मैं दूध वगैरह ऊपर गर्म करूंगी, बालका का दूध दाद रह गया भाई, दूध दाद गर्म करके पिया पिया कर भाई अपने बिस्तर बढ़ जाएंगे फिर भाई, काम वाम हो गया था ये भाई मेरा, थोड़ा तेल बच गया कढ़ाई ले मैं, क्योंकि वो है जब पूरी पारी पकौड़े पकौड़े बनाऊं तो एक्स्ट्रा तेल रह जाए, तो तू कितना भी कम डालो जब भी बच्चे जाए तो फिर नूह है बाद में, इसमें यो डाल दूंगी इसमें मैं सुबह, मतलब तो गर्म है सुबह डाल दूंगी इसमें, किसे भर कर रख लूंगी मग्गे वग्गे में, फिर सब्जी उब्जी छोकू ना तो फिर इससे माता यूज हो जाए, और पहले इसने यूज कर लूँ पके हुए ना, बाद में कच्चा तेल यूज करा करो, जैसे कि और बाकी जो एक्स्ट्रा रहे ना उसने बाद में, पहले इसने यूज करूंगी। और अब ये भी लोके जी लेके आए थे सब्जी, तो ये भी नू के रख दी मैंने सुबह, देखूंगी इन्हें ये भी देखो बथुआ, क्योंकि खेत में तो मिल रहा है ना, क्योंकि खेत में तो वो है पहले सिरसुम था, सरसों होगी बड्डी बड्डी, तो आज भी आदत पड़ते ले आया है, और मैं कल परसों गई भी थे खेत में जब भाई घेवा में तो था नहीं, क्योंकि आजकल वो है दवाई करते हैं सब सफरे करते हैं, तो ये भी याद ले आया, तो सरसों हो गई है बहुत बड़ी बड़ी तो इसलिए, और ये गोभी लेके आए हैं, और भाई ये धनिया है, तो इन्हें सुबह करूंगी, अब तो मैं ऐसे रख दी है इनको खोल के रख लेती हूँ, तो ये रखी रहें क्योंकि फ्रिज व्रिज चलाऊंगा, फ्रिज तो बंद रहे, फ्रिज व्रिज में कुछ ना रखती क्योंकि भाई वो सर्दी वो है, तो भाई थोड़े बहुत चला लिया करूँ, थोड़ी बहुत देर फिर बंद कर दिया करूँ, तभी कर लूँ मैं दूध दाद गर्म। तो जी काम कुम हो गया है, और भाई देखो आपने ढूंढ देखो मतलब इतनी जबरदस्त हो रही है आपने, मतलब आपके भी हो रही कि मैं के विदेश में रहूँ, देखो मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब थोड़ी देर पहले देखना है जो बिल्कुल साफ था रही, मतलब ऐसा हो रहा है कुत्ती ये हमारे दादी घर है, वो बिना देखता मतलब कुत्ती धुंधला कुछ नहीं देख रहा, कुत्ती कसुत्ता कोहरा पड़ रहा है, नू आ रहा है चल रहा है एक हमारी तरफ, जैसे कि वो धुआं सी चल रही है ना फैलती जा रही है धुंध, तो भाई बहुत जबरदस्त ठंड हो रही है, लाइट वाइट भी दिखनी बंद होने वाली है थोड़ी बहुत देर में, और भी मैंने अपना काम वाम सारा कर लिया, आप देख सको भैया चूल्हा वुल्ला सब मैंने अपना फिट फट कर दिया, अपने इस पर डक डुक का बिना और अपना सोवांगे अंदर बढ़ के, और भी खाना भी आज मैंने जैसे भी आपने देखा भी पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि लोग इस दिन बोले आज मैं सोची मुका आज के त्रमन मांगी पकौड़े खाने की, इस टाइम से हमने बोले जो रोटी खा खा कर रोज दुखी हो लिया, रोज वे रोटी बोर हो ली, चलो आज कुछ पकौड़े सकोड़े खाँ सर्दियाँ मुका, अच्छा तो भाई चाय चुए बना ली थी, और फिर भी मन्ने भी भाई बालका ने भी लोकेश जी ने भी मम्मी और ने भी सब सारी फैमिली बस पकौड़े खा लिए, फिर चाय पकौड़े और भाई खाना वाना, फिर वो है भाई पकौड़े खाए पीछे भी पेट अब तो भराया जा है, तो मुकी खाना का टाइम है नहीं, तो अपने ये भविष्य में पालकान थोड़ा बहुत दूध दाद दूंगी और फिर अपने सोएंगे फटकार के, तो ठीक है भैया आज कब लोग ने यहीं पे ख़त्म करा, हाँ कि जबरदस्त ठंड हो रही है मेरे हाथ कति ठिर्रने हो रही हैं, फिर मिलते हैं आप तक नए लोग, मेरे थोड़ा बहुत शूट हुआ था, घना तो शूट हुआ नहीं आज भाई, क्योंकि सर्दी थी भाई काम वाम था नहीं, तो भाई मैंने अपने मैंने आज कुछ नहीं करा, बस दिन में थोड़ा सा अपना जो काम हुआ है लोग किसी जाए पीछे, और भाई हम तो सासू बहू और मम्मी अपने नीचे उड़ कर सो गिर, मैं अपने ऊपर रारे ने लेकर अपने ऊपर घुस गई रिजाई में, तो हम तो अपने सासू बहू अपने सो गए आज अपना ना हम कहीं गए, वो है सर्दी भी को सुती थी आज बहुत जबरदस्त, तो कहाँ जाओ भाई इस सब सर्दी सर्दी मर के काम करो, वो ही रोज का काम काम तो वो ही होना है, तो ठीक है भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप देख नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए भाई शारण शुभरात्रि, बाय बाय गुड नाइट, अपने रह करो व्लॉग में, और एक बार फिर तक हूँ वीडियो देखने पहले लाइक कर जाया करो, जो पहली बार देख रहे चैनल सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है जी सो जाओ भाई बहुत ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी देर और खड़ी रहना तो मेरी यही खड़ी खड़ी कुल्फी जम जाएगी।